नमस्कार दोस्तों, कारी इन्फो चैनल में आपका स्वागत है। यदि आपको आपके मोबाइल का कोई भी रिचार्ज कराना है तो सबसे पहले आप अमेज़न एप्लीकेशन को ओपन करके वहां पे आप ऑफर चेक कर लीजिए। तो यदि आपको कोई रिचार्ज के ऑफर यहां पे शो नहीं होती तो यहां पे आप रिवॉर्ड पे एक बार क्लिक करके देख लें। रिवॉर्ड पे क्लिक करने के बाद आपके पास यदि आपने कोई भी मनी सेंड की होगी या तो आपने कोई रिचार्ज किया होगा तो वहाँ पे आपको एक स्क्रैच कार्ड मिलेगा, उसको आप यूज़ करके देख लीजिए। यदि आपको वहाँ से कोई रिचार्ज ऑफर मिलती है तो बेहतर है, नहीं तो आप नीचे की ओर देख लीजिए। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि एड मनी गेट रेट 25 बैक, मिनिमम ऑर्डर 500 रुपीज़। तो यहाँ पे आपको सिर्फ 500 रुपीज़ ऐड करने पर आपको फ्लैट 25 रुपीज़ का कैशबैक मिल जाता है। और यहाँ पे ऐड करने के बाद आप अमेज़ोन से कोई भी रिचार्ज 500 से ज़्यादा का कोई भी रिचार्ज कराते हैं तो आपको यहाँ पे 25 रुपीज़ का कैशबैक मिल जाता है। यदि आपके पास अमेज़ोन का ICICI बैंक का क्रेडिट कार्ड है तो वहाँ से आप रिचार्ज कराते हैं तो वहाँ पे आपको 2% का कैशबैक मिलता है, लेकिन एड मनी करने पर आपको 500 रुपीज़ पे 5% का कैशबैक मिल जाता है। तो यहाँ पे हम एड मनी पे क्लिक कर लेते हैं। एड मनी पे क्लिक करने के बाद हम यहाँ पे अमाउंट 500 से ज़्यादा का दे देते तो यहाँ पे हम 550 रुपीज़ का रुपीज़ लिख लेते और कंटिन्यू करते हैं। तो अमेज़ोन पे बैलेंस का कोई भी हो तो वहाँ पे टिक मार्क होगा तो वह आप वो हम रिमूव कर देते हैं और ऑटोमेटिक पे रिमूव हो गया। तो यहाँ पे हम कंटिन्यू कर लेते हैं। कंटिन्यू करने के बाद आपका एड्रेस, जो बिलिंग एड्रेस वो दिखाई देगा, तो यूज दिस एड्रेस को हम क्लिक कर लेते हैं। तो यहाँ पे अमेज़ोन पे रिवॉर्ड प्रमोशन अप्लाई ये सब बता रहा है। तो योर 25 गिफ्ट कार्ड बैलेंस कैन नॉट बी अप्लाई टू ऑर्डर दैट कंटेन अमेज़ोन पे गिफ्ट कार्ड। हमारे जो अमेज़ोन वॉलेट में जो 25 रुपीज़ है वो इस ऑर्डर में अप्लाई नहीं होगा, तो हमें अप्लाई भी नहीं करना। तो एड मनी टू बैलेंस कर लेते हैं। तो यहाँ पे हम अपना UPI पिन डाल देते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं तो हमारा जो 550 रुपीज़ का जो एड मनी है वो हो गया है। तो यहाँ पे हम कंटिन्यू कर लेते हैं। कंटिन्यू कर लेने के बाद हम देख लेते हैं कि हमारा जो कैशबैक हमें मिला है या नहीं मिला है। तो अमेज़ोन पे बैलेंस में ओके कर देते हैं और यहाँ पे क्रेडिट बैलेंस पे ओके कर लेते हैं। तो वहाँ पे तो हमें शो नहीं हो रहा है, तो यहाँ पे ट्रांजेक्शन पे ओके करते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते 550 रुपीज़ का एड मनी हो गया है लेकिन हमें कैशबैक नहीं मिला है। तो कब तक मिल जाएगा वो भी देख लेते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं एक बार पेज को रिफ्रेश करके देखते हैं हमें कैशबैक मिला या नहीं मिला। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं 25 जून, तो यहाँ पे जो टाइम भी दिखा रहा है और कैशबैक रिसीव फॉर एड मनी ऑफर एट रुपी 25। तो आप देख सकते हैं कि हमारा 25 का जो कैशबैक है हमें इंस्टेंट ही मिल गया है। इस तरह से आप यहाँ पे एड मनी करके आपको जो भी कैशबैक मिल जाता है उसके बाद आप यदि अमेज़ोन पे से रिचार्ज करते तो वहाँ पे आपको 25 करके कैशबैक आपके पास जो भी ऑफर होगा वो अप्लाई हो जाएगा और इस तरह से आपको रिचार्ज में भी बेनिफिट मिल जाता है। तो जब भी कोई भी रिचार्ज करें तो पहले एक बार आप अमेज़ोन एप्लीकेशन में चेक कर लें क्या आपको रिचार्ज के लिए कोई ऑफर मिला है या नहीं मिला। यदि नहीं मिला तो आप एड मनी करके भी ऑफर को अप्लाई कर सकते हैं, इस तरह से आप रिचार्ज में भी बेनिफिट ले सकते हैं। तो ऐसी ही मज़ेदार वीडियो के बारे में जानने के लिए हमारे साथ बने रहे। यदि
अब तक आपने इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से लाइक भी कर दीजिए और सब्सक्राइब भी कर दीजिए और बेल आइकन को ऑन भी कर दीजिए। तो इस तरह से आप हमारे साथ जुड़ जाइए। तो मिलते हैं नए ऑफर के साथ, नए कार्ड के साथ। जय हिंद, जय भारत।